न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। भारत का रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम, हरियाणा में कांग्रेस सरकार। हिंदू समाज को एकजुट होकर मिटाना चाहिए मतभेद। देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत का रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान। भारतीय संरक्षा अनुरंधन संगठन में DRDO ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। ट्रेस राजस्थान के पोरक फायरांस की रेंज में विनाशकारी मिसाइलें का प्रशिक्षण किया। DRDO ने कम दूरी में वायु संरक्षण मिसाइलें प्रमाणित किए। 3 उड़ानें परीक्षा पूर्ण सफलतापूर्वक पाई गई। रक्षा मंत्री ने इसके अनुसार 3 और 4 अक्टूबर को किए गए इन परीक्षण के उच्च गति वाली वस्तुओं को निरीक्षण बनाया, जिससे मिसाइल प्रमाणियों की गतिविधियां सीमा और ऊंचाई अवरोधन में क्षमताएं प्रदान की। पढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि एजेंटी पोल में लगभग इस तरफ कांग्रेस 10 सालों बाद सत्ता में वापस आती नजर आई। दूसरी तरफ बीजेपी ने जीत की हैट्रिक का सपना टूटते हुए नजर आया। हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटों के लिए शनिवार को 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक 7 बजे तक 91% में मतदान किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिंदू समाज के एकजुट होकर मिटानी चाहिए मतभेद। RSS के प्रमुख मोहन भगवत ने शनिवार को हिंदू समाज से एकजुट होकर आपस में मतभेद और विवाद मिटाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्राप्ति के मतभेद और विवाद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें एकता, समुदाय और बंधन का भाव हो। उन्होंने कहा है कि समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य अमुख्य होने का गुण जरूरी है। वक्त हो चाहे दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।